देवास जिले के टोक खुर्द थाना क्षेत्र के गांव देवली में पिछले दिनों हुई गोकशी मामले में तीन आरोपियों के मकानों पर आखिरकार आज पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला ही दिया। तीन से चार घंटे चली कार्रवाई में मकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सोनकच टोक खुर्द का प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि 8 मई की सुबह देवली में डैम के समीप एक खेत में कई गायों के कटे हुए अवशेष मिले थे। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। टोंक खुर्द सहित सोनकच से पुलिस बल भी आया था और मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। घटना के कुछ घंटे बाद ही हिंदू संगठनों पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा व समर्थकों ने आक्रोश रैली निकालकर टोंक खुर्द थाने का घेराव किया था। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों का सुराग लगाने में कई टीमें लगाई थी और फिर टोंक खुर्द के ही निवासी आरोपी वसीम पिता अनवर मेवाती, जहीर पिता शहीद कुरैशी, जमील पिता रईस कुरैशी को आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया था। और वारदात में शामिल इनका एक साथी अफसर अली निवासी नायता पोलाय लापता था, जिसका सुराग नहीं लग पा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी अफसर का मकान पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के अलावा फरार आरोपी के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की है। आज तीन आरोपियों के मकानों पर खुद एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने खड़े रहकर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी सोनकच अभिषेक सिंह, डीएसपी किरण शर्मा के अलावा पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और नगर परिषद का अमला मौजूद रहा। गिरफ्तार भी हुए, प्रशासन ने उनको जेल भेजा। जेल भेजने के बाद में रासू की कार्रवाई भी हुई। रासू का के बाद में उनके मकान जिम्मेदार हुए, क्या कहेंगे? देखिए, माफिया, गुंडे, बदमाश, इस तरह के सभी एलिमेंट्स जिनके कारण समाज में एक खौफ का भय का माहौल रहता है, उनके खिलाफ देवास पुलिस और प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी है। इसमें हमने गौकशी के चार आरोपियों के खिलाफ NSA पेश किया है। सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके जितने भी अवैध संपत्तियां इन्होंने अर्जित की थी उनको नेस्तनाबूद किया गया है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। देखिए, इसमें एक फरार आरोपी के ऊपर 10,000 रुपये के नाम की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, उसको बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। धन्यवाद।